वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक, बच्चों को अगर सर्दी खांसी मौसम एलर्जी राइनाइट्स एलर्जी के लक्षणों का इलाज करने के लिए ये दवा दी जाती है। काफ़ी अच्छी दवा है। अगर बेबी को लगातार बुखार आता है, मौसम जैसे ही चेंज होता है वैसे ही बच्चों में फीवर सर्दी खांसी सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, तो आप ये दवाई दे सकते हैं। दवा काफ़ी अच्छी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंटी कोल्ड सस्पेशन एंटी हिस्टामाइन है जो शरीर में हिस्टामाइन को रोकने का काम करती है। अगर बेबी को नाक में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खर खर की आवाज़ आने लगती है उसकी छाती में से, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो ये दवा आप दे सकते हैं। आपको मेडिकल स्टोर पर 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप जब भी दवा को दें अच्छे से दवा को शेक कर लीजिए, उसको इस तरीके से हिला लीजिए। इसका कलर सनसाइट येलो है, ये काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं बुखार जैसे फ्लू पैरासिटामोल, अगर बेबी को इंजेक्शन के बाद या सूजन है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी आप दे सकते हैं। सस्पेशन का यूज साइनस दबाव, साइनस कंजेशन, बहती नाक, गले और नाक की खुजली, अगर बच्चे को गले में खुजली आती है, पानी जैसी आंखें, लगातार आंखों में पानी भरा हुआ है और ऊपरी श्वसन संक्रमण फीवर एलर्जी के कारण छींकने के लक्षणों से राहत देने के लिए ये दवाई दी जाती है। आप तब भी दें डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए, उनकी सलाह के अनुसार ही दीजिए। वैसे ये 5 ml आप इसको सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। अगर बेबी को ज़्यादा दिक्कत है तो आप 5 ml सुबह शाम और दोपहर 3 समय दे सकते हैं। आप जब भी दें बच्चे को कुछ खिलाइए उसके बाद ही दीजिए, खाली पेट बच्चे को दवाई बिल्कुल भी ना दीजिए। ये आप सभी जानते हैं पैरासिटामोल अक्सर दर्द में फीवर में दी जाती है, ये दवाई है इस तरीके की। आप जब भी मेडिकल से लें डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें, उनकी परमिशन के बिना नहीं लें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।